आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। आप सभी का पसंदीदा तेजस्कर यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। भगवान गौतम बुद्ध को उनके शिष्य ने एक सवाल किया, उस सवाल का जवाब भगवान बुद्ध ने किस प्रकार दिया वही इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले, आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दिए गए बेल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। पत्थर की एक बड़ी चट्टान को देखकर शिष्य ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान क्या इस चट्टान पर किसी का शासन संभव है? पत्थर से अधिक शक्ति लोहे में होती है, इसलिए लोहा पत्थर को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। भगवान बुद्ध ने शिष्य की जिज्ञासा को शांत करते हुए उत्तर दिया, तो फिर लोहे से भी कोई वस्तु श्रेष्ठ होगी? शिष्य ने प्रश्न किया, क्यों नहीं, अग्नि है जो लोहे के अहंग को गलाकर द्रव बना देती है। अग्नि की विकराल लपटों के सम्मुख किसी की भी क्या चल सकती होगी? केवल जल ही है जो उसकी उष्णता को शीतल कर देता है। जल से टकराने की फिर किसमें ताकत होगी? प्रतिवर्ष बाढ़ तथा वृष्टि द्वारा जन और धन की अपार हानि होती है, ऐसा क्यों सोचते हो वत्स? इस संसार में एक से एक शक्तिशाली पड़े हैं। वायु का प्रवाह जलधारा की दिशा बदल देता है। संसार का प्रत्येक प्राणी वायु के महत्व को जानता है, क्योंकि उसके बिना उसके जीवन का महत्व ही क्या है? जब वायु ही जीवन है, फिर उसके अधिक महत्वपूर्ण वस्तु होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अब भगवान बुद्ध को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, मनुष्य की संकल्प शक्ति द्वारा वायु भी वश में हो जाती है। मानव की यह शक्ति ही सबसे बड़ी होती है। इस प्रकार भगवान गौतम बुद्ध के शिष्य द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब भगवान गौतम बुद्ध ने सरलता से दिया, मानवता की शक्ति ही सबसे बड़ी होती है। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए इंफॉर्मेशन के साथ। जय भीम नमो बुद्धाय। स्टे होम, स्टे सेफ।